सोलन में महालेखाकार विभाग द्वारा दो दिवसीय विशेष पेंशनर अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत का शुभारंभ उप महालेखाकार ध्रुव भोला ने किया। इस अदालत में जिला से आए करीबन 60 पेंशनर भोगियों ने भाग लिया। इस अदालत का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा पेंशन सामान्य भविष्य निधि ऋण संबंधी मामलों के नियमों और अधिसूचनाओं में होने वाले संशोधनों के बारे में अवगत करवाना था। इस मौके पर पेंशनर भोगियों ने अपनी समस्याएं अदालत में रखी, जिनका मौके पर ही निपटारा किया गया। अधिक जानकारी देते हुए उप महालेखाकार ध्रुव भोला ने इस मौके पर कहा कि इस विशेष अदालत का आगाज सोलन से किया जा रहा है, जिसमें जिला के पेंशनर भोगियों को जहां एक तरफ उन्हें नियमों में बदलाव के बारे में जागरूक किया गया, वहीं उन्हें पेश आ रही समस्याओं और लंबित पड़े मामलों को मौके पर निपटान करने का प्रयास भी किया गया। हमने एक सीरीज ऑफ पेंशन अदालत का आरम्भ आज सोलन जिला से किया है, जहाँ पर हमारा दो मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है कि जो भी पेंशन उपभोक्ता, GPF सब्सक्राइबर या ही व्यक्तिगत जिन्होंने ऋण लिया हुआ है, उनको जो भी दुविधाएं हैं, कन्फ्यूजन्स हैं या किसी भी कारणवश उनका केस विलंब है, हमने उन सबको इनवाइट किया है और हमने यहाँ पर एक सुविधा उनको हम प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम उनका समाधान आज नहीं तो जल्दी से जल्द कर पाए। दूसरा, जितने भी समय समय पर राज्य सरकार की अधिसूचनाएं या नियमों में बदलाव आता है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको इससे अवगत कराएं, ताकि हम एक बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में उनके केसेस को सॉल्व कर सकें।